स्वाद और सुगंध ना आने वालों का रिकवरी रेट तेज। कोरोना के खतरे के बीच सकारात्मक परिणाम। कोरोना संक्रमण के शुरुआती चरण में जांच और तुरंत इलाज इसकी भयावहता को रोक दे रहा है। मरीज जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं, चाहे वे अस्पताल में भर्ती रहे हों या फिर होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हों, दोनों के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे। कोरोना की दूसरी लहर घातक जरूर है, लेकिन पर्याप्त इलाज से संक्रमित पहले की तरह अच्छे हो जा रहे हैं। हैलेट के न्यूरो साइंस कोविड अस्पताल और मेटर्निटी वीक के में कोविड पॉजिटिव रोगी का इलाज चल रहा है। उनमें सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश, खाने का स्वाद ना आना और सुगंध चली जाने जैसे लक्षण मिल रहे हैं। पिछले वर्ष और मौजूदा हालत में ऐसे रोगी जिनमें स्वाद ना आना, सुगंध चली जाने जैसी शिकायतें मिली, उनका रिकवरी रेट बहुत अच्छा मिला। डॉक्टरों ने इस पर शोध की तैयारी की। न्यूरो साइंस कोविड अस्पताल और मेटर्निटी डक्सबर्ग के एचडीयू इंचार्ज प्रोफेसर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि ये लक्षण 15-20% रोगी में आ रहे हैं। इस तरह के संक्रमितों का रिकवरी रेट 90% तक रहता है। ऐसी समस्या वाले रोगी पहले ही सामने आ जाते हैं। सर्दी, जुखाम, बुखार लक्षण में अमूमन लोग पैरासीटामोल या अन्य गोलियां खाकर देखते हैं। इससे कई बार देर हो जाती है। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से ऑक्सीजन का स्तर नीचे जा रहा है। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार के चलते प्लाज्मा थेरेपी की भी मांग बढ़ने लगी। GSVM मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में रोजाना 3-4 लोग प्लाज्मा दे रहे हैं। अभी तीमारदार इन्हें डोनर के रूप में लेकर आ रहे हैं। पिछले वर्ष इसके इस्तेमाल से काफी रोगी सही भी हुए थे।